हालिया दिनों में हमने अपने शो में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली आयशा अमीन से आपको मिलवाया था, जिन्हें दुबई में होने वाली आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में जेंडर क्लाइमेट सॉल्यूशन अवार्ड दिया गया था। और इस अवार्ड में उनकी साथी हैं जो दस्तक फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हिना अमजद, वो भी शामिल थी। आज वो हमारे साथ हैं और उनसे हम जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन टूल किट के हवाले से बात भी करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तान में जो ये COP28 में बहुत से पाकिस्तानी डिफरेंट इश्यूज पे वो लोग गए, उन्होंने चीज़ें की, कश्मीर की, वो बच्चियां थी स्कूल की, हमारे प्रोग्राम में आई उन्होंने, और उसके बाद कल भी हमारे साथ जो है आयशा अमीन थी, आज हिना अमजद हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में ख्वातीन खास तौर पर आगे आ रही हैं, मर्द आगे आ रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो हिरा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ये कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए है और यकीन आप पाकिस्तान की सफीर भी हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो काम किया इसे आसानी से कैसे समझाया जा सकता है, आपने जो बनाया है ये, मतलब एक आम शख्स कैसे समझाएंगे कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए और ये मौका देने के लिए कि हम जो काम करते हैं कम्युनिटी पे, पिछले 10 साल से जो हम काम कर रहे हैं, हम उसके बारे में इस प्लेटफॉर्म पे आकर के बात कर सकें। मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं ये मिसाल देना चाहूँगी कि अभी ही कुछ माह पहले मैं ब्रेप में थी, अपर चित्राल का एक गाँव है, और वहाँ पे मैं ख़वातीन के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रही थी। ऐसी ख़वातीन जिन्होंने फ्लड्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, जब क्या कर रहे थे उस वक्त जब फ्लड्स आए, या मतलब किस तरह के, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद हर। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम रात को सोए हुए थे और हम सुबह उठे तो हमारे जो घर हैं, मतलब रात को हमें अपने साजो सामान, घर बार सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। लाइक लिटरली एकदम से पानी आ गया और हमें कुछ समझ में नहीं आई कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब ऐसे हालात में आप देखें कि बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो माहवारी से भी गुजर रही हैं, बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो पेट से हैं, जो प्रेग्नेंट हैं। तो जब हम यहाँ पे इस्लामाबाद में, कैपिटल में, प्रोविंशियल सेंटर्स में बैठ के जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह से रिलीफ या एड प्रोवाइड करना है, तो उस रिलीफ और एड में हम इन खवातीन की, इन बच्चियों की ज़रूरियात का जिक्र एक तो नहीं करते, ना होने की बराबर है, और दूसरा जब किया जाता है तो बहुत एंड पे बहुत रेजिस्टेंस के साथ उसको एक टैबू समझा जाता है। सो ये जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि जो ख्वातीन और बच्चियां जिस तरीके से सैलाब से मुतासर होती हैं, उनकी जो नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि क्लीन हाइजीन प्रोडक्ट्स, प्रीनेटल किट्स, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाए। जहाँ राशन भिजवाया जा रहा है उसके साथ ये साजो सामान भी ख्वातीन तक पहुँचाया जाए। सो जेंडर जस्ट क्लाइमेट सॉल्यूशंस अवार्ड के लिए जो हमने किट बनाया था, जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन टूल किट, वो गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर अथॉरिटीज को ये एडवाइस करता है कि वो किस तरह से अपना जो रिस्पॉन्स है उसको जेंडर इंक्लूसिव बना सकें। सही। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझती हैं कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर अब तक जो काम किए क्या वो काबिले तारीफ हैं, या फिर कुछ अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अच्छा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारी एक क्लाइमेट जेंडर एक्शन पॉलिसी बनाई गई है 2022 में, और उसमें गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि जो रिस्पॉन्स है उसको जेंडर इंक्लूसिव बनाया जाए, लेकिन वो कोशिशें अभी सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की हद तक महदूद हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट इदारों के साथ कोलैबोरेट करें, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, उनको ये ट्रेनिंग्स दी जाएँ कि किस तरह से जो काम हम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे उसको इदारों के अंदर भी नॉर्मलाइज किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, ताकि जब इस तरह की कोई आफात आए, इस तरह की मौसमियाती तब्दीलियां या डिजास्टर्स हमें हिट करें, तो हम एक बेहतर तरीके से उस रिस्पांस को हकूमत के साथ मिल करके ग्रास रूट कम्युनिटीज को मदद फराहम कर सकें। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहाँ पर हिरा जानना चाहूंगा, आप लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो महदूद पैमाने पर कोई काम कर सकते हैं, हुकूमती सतह पर आप क्या समझती हैं कि फिल फॉर क्या, कौन से मंसूबे हैं जो शुरू होने चाहिए इस मद में जो आप काम कर रही हैं, कैसे होना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि एक जेंडर क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी है जिसके अंदर एक्शनेबल मेजर्स गवर्नमेंट ने खुद से डिफरेंट एक्सपर्ट्स की मदद के साथ लिखी हैं।
अब उनको हमने इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ लेकर के आना है कि किस तरह से उन टूल्स को, उन सजेशंस को, उन रिकमेंडेशंस को इंटीग्रेट किया जा सके। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, जैसा कि मैं पहले भी बात कर रही हूँ, उनके अंदर जब यहाँ पे टेबल्स पे बैठ के कॉन्वर्सेशन हों, डिस्कशंस हों, तो उन डिस्कशंस के दौरान खवातीन का मौजूद होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि जहाँ पे खवातीन, यहाँ पे किसी भी यू नो लॉ से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, किसी भी तरह की जब कॉन्वर्सेशन हो रही है, जब पाकिस्तान की आबादी 50% खवातीन पर मुश्तमिल है, तो उन जगहों पे खवातीन का होना जरूरी है ताकि हम अपने मसाइल के बारे में ऐसी पॉलिसी राउंड टेबल्स के दौरान बात कर सकें, अपने इश्यूज को वहां पे रेस कर सकें। सो जो पहला स्टेप लेने की जरूरत है वो है इंक्लूसिविटी एंड इंटीग्रेशन। सेकेंडली कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है। जो लोग इन इदारों में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कम्युनिटीज तक पहुंचा रहे हैं, उनको सेंसिटाइज और एजुकेट करने की जरूरत है कि राशन के साथ साथ महावारी का सामान भिजवाना, प्रीनेटल किट्स भिजवाना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ये बेसिक जरूरियात हैं खवातीन की, बच्चियों की, कम्युनिटी लेवल पे जिस तक उनकी रसाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह एक और मिसाल मैं आपको देना चाहूंगी कि जब हम कम्युनिटी में काम कर रहे थे फ्लड्स इम्पैक्टेड कम्युनिटीज के साथ, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि वहाँ पे वॉशरूम्स की जो कंडीशन है वो बहुत खराब है। आप यकीन जानिए खवातीन पूरा पूरा दिन इंतजार करती थी कि उनकी बारी आए तो वो जाके महावारी का कपड़ा तब्दील कर सकें। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो उनके उन तक दवाइयां, मेडिसिन, जैसे बहुत सारे इन्फेक्शन की हमें कंप्लेंट्स आ रही थी कम्युनिटी से, जो पेट से खवातीन है, हामला खवातीन है, उनके पास खाने का दवाइयां वगैरह नहीं थी, तो ये सब चीजें उस रिस्पॉन्स में शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल, आप भिरा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन पर उस तरह से फोकस नहीं किया गया जो कि किया जाना चाहिए था। हम ये तो देखते हैं कि ड्रिप स्टैंड, सिरिंजेस या फिर पेन किलर्स, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो तो वहाँ पे पहुँचाई जाती हैं कि भाई इनकी फौरी तौर पर जो एक एड होती है ना वो मिल जाए, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं या ख़वातीन से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको कभी उस तरह तरजीह नहीं दी गई है। अच्छा, अभी आपका प्लान क्या, माशाल्लाह आपको इतनी पजीराई मिली है COP28 के बाद, अब आप क्या अपने जहन में रखती हैं आगे सोच कि आपको इसी प्रोजेक्ट को आगे किस तरह लेकर चलना है? सबसे पहली चीज़ तो हम वी आर वेरी वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेटिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन। सेकेंडली वी वांट टू कोलैबोरेट विद द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ताकि हम उनको ट्रेन और सेंसिटाइज कर सके। तीसरे लेवल पे हम काम करना चाह रहे हैं ग्रास रूट्स लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्योंकि हम देखते हैं जब भी इस तरह की कोई आफात आती हैं जो सिविल सोसाइटी है ग्रास रूट्स लेवल पे फार फ्लंग एरियाज में, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं टुवर्ड्स द क्राइसिस। सो हम उनको भी सेंसिटाइज और ट्रेन करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो इस चीज के ऊपर लीडरशिप ले सकें। ये करने की जरूरत इसलिए है कि जब हमने 2 साल पहले डिग्निटी किट्स, प्रीनेटल किट्स कम्युनिटी में भिजवाना शुरू की, तो हमें उन फैक्टर्स और उन कम्युनिटी से भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा कि ये भिजवाने की क्या जरूरत है। आप यकीन नहीं करेंगे, आधा मतलब दिन में आधा टाइम मैं कॉल्स पे ये एक्सप्लेन कर रही होती थी कि ये लेके जाने की बहुत सख्त जरूरत है कम्युनिटी में, ये नीड है, हमें खुद खवातीन से कॉल्स आ रही हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत जरूरी है पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन, हमें सिर्फ टोकनिज्म की हद तक खवातीन को इन टेबल्स पे नहीं लाना, हमें उनकी बात सुननी है, समझनी है और उसे इंटीग्रेट करना है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट और दें, जब हम अपर चित्राल में ग्रास रूट्स कम्युनिटीज में खवातीन के साथ हीलिंग सर्कल्स या लिसनिंग सर्कल्स कर रहे थे, तो उसमें खवातीन ने मुझे कहा कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमसे किसी ने आके पूछा है कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरियात हैं, आपको हम किस तरह से मदद फराहम कर सकते हैं। मैं ये क्लाइमेट रेफ्यूजीज की बात कर रही हूँ। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको रिस्पॉन्स का हिस्सा बनाया जाए डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। सो हम यही चाहते हैं कि हम पहले तो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करें, फिर लोकल, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ट्रेनिंग सेशंस कराएं और साथ ही साथ लोकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस काम में अपने साथ शामिल करें। बहुत अच्छी बात है। ये हिरा, ये बड़ा जरूरी है, आपने कहा कि ये प्लान होना, उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट है या NDM में है या PDM में है या डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ ये चेंज आया भी आपके सारे अमल के बाद? क्या वहाँ ख़वातीन को भी ऑन बोर्ड किया गया? और यही जो बात आप कह रहे हैं चित्राल में उन्होंने कहा पहली बार हमसे पूछा गया,
तो ये चेंज आपने देखा है? आपने मुझसे पूछा था कि हम प्लान क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो ये तो मैंने आपको प्लान अपने एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करके बताया है. उम्मीद है कि इस पूरे साल में हम इस चीज के ऊपर काम करेंगे इन द फ्यूचर. लाइक पहला स्टेप ये था कि हम कम्युनिटी में जाके रिसर्च करें, हम ये डाटा लेकर आए, हम एक रोड मैप बनाएं जिसकी जरूरत है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द कम्युनिटी. नाउ वी हैव रिसीव्ड द लोकल एंड द ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर दिस वर्क. द नेक्स्ट स्टेप इज टू वर्क विद द NDMAs, PDMAs एंड द लोकल ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशंस एज आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड. बहुत शुक्रिया आपका हिरा, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने हमें बताए, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.